हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जहां मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त पर लाई हूं आपके लिए अपडेट हमारे नेक्स्ट मैच की। यहां तो मैं बात कर रही हूं अरुण जेटली स्टेडियम 25 अक्टूबर दोपहर 2 बजे होने वाले मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड नीदरलैंड। जहां बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट वर्ल्ड कप में स्टार्टिंग उनका थोड़ा बुरा रहा था। 2 मैचेस हारने के बाद वो पॉइंट टेबल पे नीचे चल रहे थे, मगर पिछले के 2 मैचेस में जो उन्होंने मैचेस खेले हैं, लाइक आई मीन दे आर सीरियसली रेट अप टू नंबर 4 इन द पॉइंट टेबल। मतलब प्रूफ तो कर दिया कि भैया हम 5 टाइम के वर्ल्ड कप विनर्स हैं, तो हम अपना कप लेकर ही जाएंगे। एंड दे आर कमिंग लाइक फियरलेसली, एंड अब लग रहा है कि ये लाइक अबाउट टू गिव अ रिवोल्ट रिवोक एंड अ पावर पैक परफॉर्मेंस। तो हम सब तैयार हैं देखने के लिए कि ऑस्ट्रेलिया अपना कैसा परफॉर्मेंस देती है। वहीं बात करें नीदरलैंड की, डच टीम भी किसी से कम नहीं है। दे आर गिविंग बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और उन्होंने लास्ट वीक भी साउथ अफ्रीका को हराया है, तो दैट मीन्स नीदरलैंड इज ऑल्सो गिविंग बेस्ट। अब टॉकिंग अबाउट कि दोनों मैच रिकॉर्ड सब कुछ कैसा रहने वाला है, कौन बेटर खेलेगा इन एवरीथिंग, उसके लिए पहले हम चलते हैं प्रीवियस मैच रिकॉर्ड को कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग डाउन विद द प्रीवियस मैच रिकॉर्ड ओडिया हेड्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी डाउन ऑन माय स्क्रीन। टॉकिंग अबाउट द बेस्ट बैट्समैन एंड एवरीथिंग, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से की बैटर की बात करें तो डेविड वार्नर, ग्लेन मैक्सवेल, बोलर की बात करें तो एडम जंपा एंड मिशेल स्टार्क। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर नीदरलैंड की बैटर्स की तो इट्स कोलिन एक्मिलन एंड लोगन वैन बीक। वहीं बोलर की बात करें तो आर एन दत्त एंड पॉलिन वैन मिकरन। पिच की बात करें तो आरएन जेटली की स्टेडियम में काफी ज्यादा गर्मी पड़ने वाली, इट विल बी हॉट एंड ह्यूमिड, एंड ये पिच ज्यादातर जानी ही जाती है बॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए, तो इट विल बी लाइक सपोर्टिंग टू स्पिनर्स मेजोरिटी ऑफ द टाइम। बट अगर वो पड़ गई तो वी कैन सी कि बैटिंग करने वालों को लाइक बैट्समैन को फायदा मिलेगा, बॉल विल बी मूविंग डाउन। स्पिनर्स को फायदा इसलिए होगा क्योंकि हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से बॉल टॉप होगी ग्रिप पे एंड इट विल बी होल्ड डाउन, तो स्पिनर्स को फायदा होगा। बट फिर छक्के चौके मारना, बाउंड्री हिट करना विल भी मुश्किल। बट अगर मौसम, मैंने बोला ना, अगर थोड़ा ठंड पड़ी है, ओहरा एंड ड्यू रहता है, तो उसके कंपेरेटिवली फिर बैट्समैन को फायदा मिलना स्टार्ट होगा। बॉल कीप ऑन मूविंग, लाइट में रहेगी तो हम देख सकते हैं कि कुछ विकेट भी अच्छे खाते लिए जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट माई प्रेडिक्शन एंड एवरीथिंग की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो हाँ, अगर जो टीम टॉस जीतती है वो बोल करना चूज करे तो आई थिंक दैट वुड बी लाइक प्रेफरेबल अ गुड चांस, क्योंकि जिस हिसाब से पूरा अभी तक का पिच का सिनारियो है तो हमने पुराने मैच में ये देखा कि जो टीम 2 बार लाइक बैटिंग कर रही थी वो विन कर रही थी और 1 बार का मैच चेजिंग में चूज किया गया। लेकिन अब मैं यही बोलूंगी कि बॉलिंग करना इज लाइक परफेक्टली, क्योंकि सामने वाली टीम को आप इजीली रोक सकते हैं। टॉकिंग डाउन अबाउट प्रेडिक्शन, आई विल से ऑस्ट्रेलिया हैज डेफिनेटली अ स्ट्रॉन्गर बैकग्राउंड, तो ऑस्ट्रेलिया विल डेफिनेटली विन दिस मैच। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन कीप डाउन फॉलोइंग द लिंक्स ऑन गिवन माय स्क्रीन बिलो।